दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वक्त मैं जनपद सीतापुर तहसील बिसवा के विकास क्षेत्र अटल चौक रैसा में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक भारी वाहन डीसीएम पलट गई है और भरे कस्बे पर में पलट गई है। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, एक बड़ा हादसा टला है। जो एक बार आता है उसको निहारता जरूर है और देखता है और बड़ी घटना होने की आशंका जाहिर करता है, लेकिन हम यहाँ एक नहीं कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जो कि बड़े हादसे टल गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं और दिखाते हैं किस कैसे और हकीकत पहचानते हैं जमीनी कि किस हालत में ये पलटी और क्या हुआ और कोई हताहत तो नहीं हुआ, पूरी जानकारी लेते हैं। तो गाड़ी नंबर है UP21BN1387। पलटने का कारण जानकारी करते हैं, लेकिन गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया। पूरी तरीके से भरे कस्बे में अटल चौक की तस्वीर है, और क्योंकि इसके पहले भी कई गाड़ियां डिवाइडर पर चल गई तो कोई आपस में टकरा गई, लेकिन अभी तक विशेष अनुकंपा रही इस चौराहे पर जो बजरंगबली का संकट मोचन सिद्ध पुरुष हनुमान मंदिर बना हुआ है, उनकी विशेष की अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा इस जानकारी करते हैं इस डीसीएम चालक से और क्या पलटने का कारण, किसी चीज़ का इसमें लोड होना देखा जा रहा है क्योंकि पन्नी से ढकी हुई है। डीसीएम चालक जिनकी गाड़ी यहाँ कस्बे में भरे अटल चौक पर पलटी है, पूरी बात करते हैं। पलटने का कारण कैसे पलटी, क्या हुआ था, क्या नाम है आपका? इसहाक। पिताजी का? इमामी। घर कहाँ है आपका? जिला मुरादाबाद। तहसील बिलारी। गांव राजा का सेंसपुर। राजा कशेसपुर। अच्छा, ये आपकी डीसीएम क्या लोड है इसमें? सिरिंज जंक्शन जो होता है। अच्छा, लगाने वाला। हाँ। कहाँ से लोड किया था? गोरखपुर से। कब लोड किया था? कल। कहाँ ले जा रहे थे? बरेली। ये पलट कैसे गई, क्या कारण रहा? नींद की झपकी आ गई। रात भर जगे थे? रात भर के, रात पूरी भी नहीं हो पाई। हाँ, अच्छा, कई बजे का वाकया है ये? एक बजे रात का। कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, चोट वगैरह थोड़ी बहुत आई, कोई जैसे किसी को। अच्छा, नींद की झपकी आ जाने से पलट गई गाड़ी आप? फुटपाथ पर चढ़ने से पलटी है। अच्छा, उस पर मतलब पलट गई जी। भाई नींद की झपकी आई होगी, फिर उस पर चढ़ गई, फिर पलट गई जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा एक हादसा टला और गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, ये स्वयं बच गए और गाड़ी पलट गई। गाड़ी तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा, गाड़ी में काफ़ी नुकसान हुआ जैसा कि जानकारी में आया। नींद की झपकी आने से डिवाइडर पर चढ़ी और डिवाइडर से तत्काल पलट गई, लेकिन जिस हिसाब से हादसा देखा जा रहा है, एक बार ज़रूर आदमी दहशत में आता है और सोचता है कि कोई बड़ा हादसा हुआ होगा, क्योंकि भरा कस्बे की तस्वीर है जैसा कि लोगों का आवागमन रहता है। लेकिन गनीमत रही कोई बड़ा हादसा और हताहत नहीं हुआ। इसमें सिरंज लोड था जो आप देख पा रहे हैं, 1 बजे रात की घटना है।